बैक टू माई चैनल, दिस इज़ रागनी शो। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक मेकअप ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ महाराष्ट्रियन लुक। वैसे तो मुझे कोई प्रोफेशनल मेकअप आता नहीं है, बट मुझे जो आता है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। सबसे पहले जो बेसिक है वो हम फेस में लगाएंगे मॉइस्चराइजर क्रीम। ये मेरा एलोवेरा का है। आप पूरे फेस में अच्छे से क्रीम लगा लीजिए। मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी मेकअप करने से पहले आप ज़रूर अपने फेस में लगा लीजिएगा। उसके बाद आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास सीरम है नहीं, तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो है हम उसी में मेकअप करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मेकअप के लिए सब कुछ होना ज़रूरी है। गाइज, आप जो भी फेस में अप्लाई कीजिएगा आप उसको नेक में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारा फेस और नेक दोनों इक्वल दिखेंगे। नहीं तो कभी कभी देखते हैं ना, फेस कुछ ज़्यादा ही लाइट देता है और नेक हमारा ब्लैक ब्लैक सा दिखता है। पहले हम करेंगे आइज़ मेकअप। आइज़ मेकअप में हम लगाते हैं कंसीलर, मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं पहले कंसीलर लगा ले रही हूँ, इससे हमारा आईज़ को एक बेस मिल जाएगा और हमें मेकअप करने में आसानी भी होगा। आप कंसीलर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जो भी चीज़ यूज़ करेंगे आप उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तभी आपका लुक अच्छा आएगा। नहीं तो देखते हैं ना, कभी कभी हमारा फाउंडेशन या कंसीलर हम लगाते हैं और हमें जब हम मिक्स नहीं करते हैं उससे हमारा क्या होता है, फेस केके कैसा दिखता है। इसलिए आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा। आप या तो आप अपने फिंगर्स की हेल्प से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर या कोई भी ब्रश से आप मिक्स कर सकती हैं। देख सकते हैं आप, मेरा कंसीलर पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। मेरे पास ये दो आई पैलेट है, ये हुडा ब्यूटी का, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे कलर्स भी दिए हुए हैं और बहुत ही अफोर्डेबल है। आप ऑनलाइन या ऐसे भी लोकल मार्केट से इसलिए परचेज कर सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे आई शेडो। पहले हम लगाते हैं, मैं पहले यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन कलर का। तो मैं ये कलर लूँगी, हल्का सा ऑरेंज है, इसमें कलर का नाम प्ले लिखा हुआ है। अब इसके आई मैं आईज़ के कॉर्नर में इसको लगा रही हूँ। अब इस ऑरेंज के ऊपर मैं हल्का सा डार्क कलर यूज़ करूँगी, जो कि ये कलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसी ब्रश से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको कॉर्नर में आप दीजिएगा। सेम मैं इस आईज़ में भी लगा ले रही हूँ। नेक्स्ट जो आई शेडो का है कलर, वो मैं हल्का सा स्पार्कल में ही रख रही हूँ, जो कि यहाँ मिडल में देने के लिए, तो इससे हमारा आईज अच्छे से डिफाइन होगा। और अब आईज के कॉर्नर को हल्का सा डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर गोल्डन कलर यूज कर रही हूँ। ये जो गोल्डन कलर है इसमें ये भी स्पार्कर वाला है, तो इसे हल्का लाइट देगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा आई शेडो हो गया, उसके बाद हम करेंगे फेस मेकअप। फेस में भी हम पहले कंसीलर यूज़ करेंगे। कंसीलर को थोड़ा अच्छे से यूज़ कीजिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आई के नीचे कुछ डार्क सर्कल है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर हमारे जो स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, उसको हाइड करता है।
उसका सेम मेरी बेबी ने दाल से दाल डाल के खराब कर दिया। अब आप इसको अच्छे से एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मिक्स कर लीजिएगा। आप इसको अच्छे से टप टप करके कीजिएगा जिससे ये हमारे जो ओपन पोर्स है उसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट है हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। मेरे पास मेकअप स्टूडियो का फाउंडेशन है, आपके पास कोई भी फाउंडेशन हो डजंट मैटर, बस ये मैटर करता है आप उसको कितने कैसे लगाए हैं, कितने अच्छे से उसको मिक्स किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, आप आपके फेस में जिस हिसाब से जौन सा जो फाउंडेशन जाए वही आप अपने फेस स्किन से मैच करके लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप जब भी लीजिएगा फर्स्ट टाइम तो आप ऑनलाइन मत लीजिएगा, क्योंकि आप फेस से मैच करके अपने फेस की स्किन से मैच करके लेंगे तो वो आपके ऊपर अच्छा लगेगा। तो मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से ही लगा रही हूँ। आप इसको चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर या फिंगर की हेल्प से टप टप करके आप पूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फेस के साथ आप नेक को एकदम मत भूलिएगा, नहीं तो मैं आपको फर्स्ट टाइम में ही बताई थी आपका नेक ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा और फेस कुछ ज्यादा ही व्हाइट व्हाइट दिखेगा। अब मैं इसको अपने फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फाउंडेशन भी अच्छे से पूरा सेट हो गया है। और हाँ एक बात है, जैसे कि आप जो भी कोई भी लिक्विड फॉर्म में क्रीम मॉइस्चराइजर या फाउंडेशन कुछ भी यूज़ कीजिएगा तो उसको सेट होने के लिए 2-3 मिनट दीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई दूसरा चीज़ यूज़ कीजिएगा, नहीं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए आप 2-3 मिनट दीजिएगा जरूर। सो मेरा फाउंडेशन भी सेट हो गया। अब मैं अपने आईब्रो को आईब्रो पेंसिल से अच्छा सा डिफाइन करूँगी, उसको भी मैं ज़्यादा डीप नहीं करूँगी, एकदम हल्के से, जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादा डार्क करने से अच्छा नहीं लगता है, मोटा मोटा सा बद्दा बद्दा सा दिखेगा। आपका जैसा आईब्रो है बस उसी को हल्के से मैं डिफाइन कर देती हूँ। आईब्रो भी डिफाइन करना, आईब्रो पेंसिल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग इतना फाउंडेशन क्रीम वगैरह लगाते हैं तो जिसमें हमारे आईब्रोज़ में क्रीम्स लग जाते हैं, इसलिए आप आईब्रो पेंसिल जरूर यूज़ कीजिएगा, बट हाँ हल्का ही यूज़ कीजिएगा, हल्का ही अच्छा लगता है, बिकॉज ज़्यादा मोटा हो जाने से बद्दा बद्दा सा लग रहा है। तो मेरा आईब्रो भी रेडी हो गया। अब मैं यूज़ करूँगी लाइनर, ये मेरा लैक्मे का इंस्टा लाइनर है जो कि बहुत अच्छा है, मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ, ये तो मुझे कसम से बहुत अच्छा है, बहुत ईजी और से लग जाता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। सो तो ये मेरा लाइनर भी लग गया जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं यूज़ करूँगी ये लिक्विड काजल है, आप इसको लाइनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं लाइनर भी, बट मुझे वो लाइनर ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं वही लाइनर यूज़ करती हूँ। मैं हल्का सा ही काजल यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा नीचे से नहीं कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। हल्का सा मैं नीचे भी टचअप करती हूँ, आई शैडो जो मैं ऊपर यूज़ की हूँ उसी से हल्का सा नीचे कॉर्नर में, ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, एकदम हल्का सा, जैसे मेरा अपर और लोअर दोनों आईज सेम सेम दिख। सो मैं आई लेसेस ट्राई करने जा रही हूँ ऑफ कैमरा, वैसे बिकॉज मुझे आता नहीं है प्रॉपर सेट करने, मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर सेट हो जाता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया नहीं हुआ, तो नहीं चलो अब क्या कर सकती हूँ, नहीं लगा तो अब मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। लूज़ पाउडर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, यही हमारी मेकअप को सेट करता है, तो आप अच्छे से लूज़ पाउडर यूज़ कीजिएगा। ये है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, ये फिटमी का है। सो मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, हाइलाइटर हमारे फेस को हाईलाइट करता है इसलिए आप ज़रूरी यूज़ कीजिएगा, मैं हल्का सा यूज़ कर रही हूँ। मेरी प्रिंसेस भी उठ गई है, देखेंगे आप बेबी, इधर देखो, हेलो हाय हाय गुड मॉर्निंग बोलो, नहीं बोलोगे, अभी अभी उठी, गुड मॉर्निंग नहीं हुआ, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा अब ऐसे भी होने वाला है मेकअप, फेस को हाईलाइट कर ले रही हूँ। लगाओगी अभी हमारी प्रिंसेस का फेवरेट मेकअप क्या है, लिपस्टिक? अच्छा दे रहे हैं आपको लिपस्टिक, देखो हाँ बड़ी, हाँ लिपस्टिक लगाओगी, लिपस्टिक लिपस्टिक लगाओगी, क्या लगाओगी बता दो सबको, क्या लगाओगी,
लिपस्टिक, ओके आई गिव योर लिपस्टिक, लो 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 लो। नहीं इसे रेड कलर का लिपस्टिक चाहिए, ये लिपस्टिक उसे समझ में नहीं आया, सोची मम्मी हमें पेंसिल दे रही है। इसमें भी है बेटा, नहीं अच्छा ये चलेगा, ये चलेगा, कोई नहीं मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या है। मैं आई पैलेट से लेके आई शैडो से हल्का सा अपने नोज को डिफाइन कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास कंट्रोलर नहीं है, इसलिए मैं हल्का सा इसी में से ले रही हूँ। बेबी मैं कह रही हूँ मम्मा इतना चमक रही है, बेबी तो विदाउट मेकअप का ही चमक रही है ना। नो 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 आप खुला मत करो, बेबी मम्मा का मेकअप कर रही है। गुंदी लगी आयशी, नो बाबू बदमाशी नहीं करती, ये लो लो आप इसे। अब मैं यूज करूंगी अपनी बेबी का फेवरेट मेकअप लिपस्टिक। हाँ देखे लिपस्टिक के नाम से कितनी खुश हो गए, ये पूरा प्रॉपर रेड है, रेडी अच्छा लगेगा तो मैं रेडी यूज कर रही हूँ। कितने ध्यान से देखी और स्माइल पास कर रही है। अच्छा लग रहा है आपको भी लगा दूं? देखिए देखिए देखिए, ठीक मैंने बिंदी लगा लिया, पता है मैंने इस बिंदी को जुगाड़ किया है, जो प्लेन बिंदी है उसको बीच से कट कर दी, और मैं लगाने जा रही हूँ जो मेन है इस लुक का। हल्का लुक आ रहा है ना, अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ रेडी होके। सो नहीं नो 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 आटा मजे से टकली नो। सो ये है मेरा फाइनल लुक, सो प्लीज जरूर बताइएगा आप कमेंट करके आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप न्यू हैं, और अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेबी बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, पहले पहले बाय बाय बाय। ये हमारे चंदन जी है, मतलब बेबी के भैया चंदन भी है, बाय कर दो आप भी, बाय 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 बाय, वाह बाय बाय स्टाइल। और हाँ मैं धोती स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो डाली हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मतलब धोती स्टाइल या फिर महाराष्ट्रीयन स्टाइल दोनों सेम ही होता है, तो आप इजिली वहां से जाके देख सकते हैं। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत